गैर कानूनी तौर पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, फंस रहे हैं, उनके खिलाफ। और संजौली में जो एक मस्जिद का निर्माण किया जो पूरी तरह से अनऑथोराइज्ड है, उसको तोड़ने की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे। सरकार इन मुद्दों को दबाना चाहती है और हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। ये प्रोटेस्ट पूरे हिंदू के लिए है, पूरे हमारे हिंदू समाज के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगर आज हमने आवाज नहीं दी तो आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो असुरक्षित है। तो आज हमने आवाज दे रहे हैं, हम एक हैं। हमारे एहतियातन स्टेप्स है वो तो पर्याप्त हमने लेके रखे हुए हैं। और साथ साथ में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहता है और उस पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो उन लोगों को भी हम कॉशन करते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और पीस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जो पीस है वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन है तो वो भी पीसफुल होना चाहिए। यही मैं इस समय कहना चाहता हूं। और हमारे पुलिस के बंदोबस्त जो है वो बिल्कुल एडिक्वेट है। We will not allow any kind of breach of law or procedure. मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं। और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। कि उसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है, सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है।